खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये कब आपको पता लगा कि वहाँ मंदिर है, मंदिर हो सकता है? ये जब हम लोग एक्सकवेशन टीम जो ना चले गए थे वहाँ एक्सकवेशन के लिए, तो ये कोई बहुत गर्मा गर्म इश्यू नहीं था, अयोध्या का जो इश्यू को बहुत कुछ नहीं था तो। लेकिन हम लोग जब एक्सकवेशन के पहले जो ना एक्सप्लोरेशन करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, तो वो मस्जिद के अंदर चले गया था, तो मस्जिद के अंदर जो ना ताला लगा हुआ था। लेकिन हम लोग जो ना रिसर्च टीम वाले थे इसलिए हमने उन लोगों को अंदर जाने दिया, तो वो पहले मैंने देखा जो पिलर्स जो देखा, तो वो पिलर्स सब जो ना मंदिर का पिलर थे, जो मस्जिद में जो थे वो मंदिर का पिलर, जिस पिलर पे मस्जिद खड़ी थी वो पिलर मंदिर के, वो बिल्कुल बिल्कुल पिलर मंदिर के पिलर थे। ये आपने पहली बार में समझ में आ गया था? ये असल में जो ना, क्योंकि हम लोग जो ना आर्किटेक्चर, जो मेडिवल आर्किटेक्चर, एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, ये सब जो ना हम लोग हमारे कोर्स का पार्ट होके पढ़ते हैं। अच्छा, तो उसमें आपको जो ना देखने से ही पता लग जाएगा ये मंदिर का है, ये मस्जिद का है, या ये अकबर का है, ये शाहजहां का है, ये जहांगीर का है। ये बिल्कुल एकदम हम लोगों को तो नज़र इतना तेज़ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो उसमें हम लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन जो ना कुछ फीचर्स ऐसे है, जैसे पूर्ण कलश कहते हैं, पूर्ण कलश आजकल भी अगर कोई हिंदू सेंट्स या सेवंस आते हैं तो उनको आप जो ना शॉल से रिसीव नहीं करेंगे, हार से रिसीव नहीं करेंगे, कलश पूर्ण कलश देके ही रिसीव करते हैं। इसको अष्ट मंगल चिन्नास कहते हैं, वन ऑफ द एट ऑस्पिशियस सिंबल्स, वो वहाँ उसी में पाया गया था। और इसी तरीके का पूर्ण कलश जो कुतुब मीनार के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जी, उसमें भी है, वहाँ बहुत सारे मूर्तियाँ भी हैं।